और श्योर आगे जाने की जरूरत है। आप देख सकते हो D2 ही ऑलमोस्ट आ चुके हैं अंदर विदाउट हील, और अर्नी बाहर रहेंगे, बियर 11 भी बाहर रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग फाइट, व्हाट अ जोन आपको PMWL के फाइनल्स में देखने को मिलेगा, जहां पे नोवा जोन होगा क्लोज इन फाइनल सर्कल की फाइट। D2 ही स्विम करते हुए नजर आएंगे सिनर्जी टेट के पास। ए ड्रॉप मात्र सिर्फ एक डमी ए ड्रॉप बन के रह जाएगा, बिकॉज उसमें ऑम है तो भी कोई फायदा नहीं है। बट सिनर्जी टेट जाके एक बार हाई बोलेंगे, मैं चाहता हूँ कि ऑल पे जाके एक बार लाइक कुछ कॉन्वर्सेशन हो, क्या कॉन्वर्सेशन है वो भी अगर हमें पता चल सकती है तो दैट वुड बी बेटर। बट बियर 11 भी आएंगे, अर्नी भी आएंगे, बट टेस्ट मार्केट D2 को फिनिश करा। ओके वहां पे क्या एक अभी भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे, क्या टेड खड़े होके वो गन निकाल के मार सके? बट अर्नी के पास अच्छी खासी हेल्थ है, बट आखिरी में ये फाइट कुछ गलत ही रहने वाली है। अब पता नहीं इसको हम लोग कास्ट कैसे करें, लाइक दिस इज Like first time for me also. Let it breathe. I think हम लोग को देखना चाहिए आराम से बैठ के हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे वी कैन डू दैट। बट सिनर्जी के टेड कुछ ज्यादा ही आगे पीछे हो रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट ही फाइट। बट अब क्या वो ऐसे डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं सर मार के? ओके अभी भी कोशिश जरूर चल रही है। अर्नी दूर थोड़ा सा दूर बैठे, बट बियर 11 थोड़ी सी फाइट लेता नजर आ रहा। बट सिनर्जी टेट के हाथ में क्या वो गन आई थी, वो एक चांस क्या बन सकता है? बट बियर 11 की मेरे को समझ नहीं आ रही कि हेल्थ कैसे कम हुई इतनी, बट अर्नी की हेल्थ अगर हम बात करें दोनों साइड से जकड़ लिया जाएगा तो टीम सिनर्जी टेट ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बट अभी लाइक वो पत्थर अगर जोन में रहा, लाइक अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जोन तो अब है नहीं, अब हील बैटल आपका जोन आ चुका है, लाइक दिस इज द एंड जोन, डेथ सर्कल। टीम सिनर्जी टेट अभी भी कोशिश कर रहे हैं, BTR यहाँ पे बियर 11 माफ कीजिएगा, ये कास्टिंग कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है। आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट इट, बट अर्नी थोड़ा सा दूर जा चुके हैं, टीम सिनर्जी के टेट अब स्विम करके वापस से उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, बट स्टिल वी कैन एंजॉय दिस। एब्सोल्युटली इसको एंजॉय ही करने देंगे, और यहाँ पे अगर फाइनली अगर हील बैटल की तरफ जाता है तो अर्नी की HP जरूर है। बट एक बहुत ही फनी मोमेंट इतने इंटेंस टूर्नामेंट में देखने को मिले, आज तक ऐसा सर्कल आई थिंक बहुत ही रैली देखने को मिला, और बियर 11 को भी फिस्ट कर दिया टेड ने। ओ माई गुडनेस, इनको गन की जरूरत नहीं, इनको बस हाथ पकड़ा दो, यहाँ पे काफी है RRQ के साथ डील करने के लिए। और आई थिंक एक अच्छे पंच फाइट हो रही है, बट फाइनल आखिरी में जो एक स्प्लिट डैमेज था वो टेड ने दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो फिस्ट रहती है, बट RRQ अथीना निकाल के जाएगी वो वाला चिकन डिनर। बट चलिए जल्दी से उनको बुलाते हैं, टेड वेलकम टू द शो। एंड ओशन के पास बहुत सवाल रहेंगे, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या थॉट प्रोसेस क्या था आपका कि क्या करना है उस फाइट? टेड मेरे को कॉल्स जानने, क्या चल रहे थे उस टाइम, कॉल्स क्या थे? लाइक मेनली यही था कि 1v3 था, तो मतलब पहले सोचा था शायद 1v2v1 है, लेकिन एंड में पता लग गया था तीन बंदे RRQ के ही हैं, तो यही था कि उनको किल नहीं देना फिर। लेकिन जब वो क्लोज आए तो मैं मतलब अगर रिच की तरफ को मूवमेंट पैट कर रहा था तो लाइक मेरा गन इक्विप हो रहा था आदमी, तो मैंने वही ट्राई किया कि मैं शूट कर पाऊँ उनको, और लकीली पहला वाला जो बंदा था उसको एक फेस पड़ गया, तो वही था फिर 1v2 बचा, फिर जोन भी आ रहा था लाइक श्रिंक हो रहा था, तो उसको ट्राई किया वहाँ पे फेस करने का, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने मतलब दोनों ही गन अपनी अनइक्विप कर दी थी, तो मतलब जोन के जो रिच था उसके राइट साइड से होके मैं गया, तो वहां पे एक और बंदा मिला, उसको भी मतलब एक और फिस्ट लगे लिए पड़ गया, और लास्ट वाला बंदा को भी मतलब दो फिस्ट तो पड़ा था उसे, पर वो जोन का डैमेज एक्चुअली ज्यादा बढ़ गया, मैं ऑलरेडी शायद 50 HP था, तो उसकी वजह से मिस हो गया। Yeah, it was so close, yet so far, वो चीज़ जरूर रहेगी। And आपकी टीम थोड़ा सा अर्ली में you know, पानी के अंदर आ चुकी थी, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि लाइक उस टाइम क्या कॉल्स थे कि पानी के थ्रू, बिकॉज हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था कि you know, क्या लैंड पर जोन बनेगा या वाटर एरिया पर जोन बनेगा, तो कॉल्स क्या थी कि पानी के थ्रू कहीं पर थोड़ा सा बच बचा के चलते हैं, लैंड पर बाद में जाएंगे, बिकॉज एक टाइम था जब 50% लैंड एरिया था वहां पर जोन में, 50% वाटर एरिया था, तो आपने रोटेशन के लिए उस रॉक के पीछे गए थे या फिर आप रहने के लिए उस रॉक के पीछे, मतलब क्या चीज़ था उस टाइम माइंड में जब आप रॉक के पीछे पहुंचे थे? एक्चुअली जब सिक्स हाउसेस की तरफ से जोन थोड़ा लेफ्ट साइड को चला जाता है ब्रिज की तरफ को, तो हमारा यही रहता है कि उस तरफ से मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द टीम्स वहीं पे रहेंगे, तो उसकी वजह से थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हम जो ब्रिज के ऊपर वाला क्या कहते हैं चर्च वाला कंपाउंड होता है, हम उनके नीचे चल जाते हैं लाइट हाउस के, और वहां से क्योंकि हम ऊपर चढ़ सकते हैं, पर लेकिन हम जैसे उधर पहुंचते हैं तो ऑलरेडी ना दो बंदे हमें सामने मिल जाते हैं, तो हम पानी से हम निकल तो सकते नहीं थे, शटर ट्राई करता है कि निकल जाए उनको मारने के लिए, लेकिन पीछे से एक बंदा उसको मार देता है, और वहीं पे सीवी भी फिर क्या कहते हैं राइट साइड पे कॉट ऑफ हो जाता है ऊपर से, तो बस फिर यही रहता है कि सर्वाइव करने का है,
जाएंगे और जून भी लकली मेरे साथ बनते गया तो ऐसी विद यू नो द एंडिंग. Man, this was amazing actually. Yeah, एक काफी amazing match था और इसी के साथ आपकी टीम जो है अब टॉप 10 में स्टैंडिंग्स के एंटर भी कर चुकी है, तो उम्मीद करेंगे कि कल के जो मैचेस हैं और ऊपर आपकी टीम क्लाइम करे. टेड, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, एंड दैट वाज एन अमेजिंग मैच. Yeah, you are an actual Aquaman. Yes. See you guys. Thank you. Well, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, बार बार मिलते रहते हैं ये प्लेयर है फ्रॉम टीम आईएनडी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं जल्दी से टीम आईएनडी की तरफ से स्लेयर. Slayer, what's up? आपके आज के मैचेस बहुत अच्छे रहे एंड लाइक आई वाज जस्ट से those were actually some amazing matches that you guys had today, to be honest. Yep. I would like to ask you a question. वो ये रहेगा कि आपकी टीम one of the most consistent teams रही है अभी तक. अगर हम इंडियन सर्किट की बात करें तो अगर कभी मैचेस में थोड़े से फंबल अप्स होते हैं और कोई प्लेयर मिस्टेक करता है तो अगले गेम में जाने से पहले उस प्लेयर से किस टाइप से बात करी जाती है? बिकॉज ऑब्वियसली टीम एफर्ट रहती है बट कभी ना कभी एक प्लेयर की मिस्टेक से कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं, तो आप लोगों की टीम डिस्कशन जो 5-10 मिनट का टाइम मिलता है वो क्या टीम डिस्कशन चलती है उन 5-10 मिनट में? सो एक्चुअली ये तो यूजुअली होते रहता है, मिस्टेक तो सभी करते हैं, बट लाइक वी मेक श्योर कि हम लोग का फोकस यू नो वी बात तो करते हैं उस बारे में, उसको क्लियर करते हैं, बट यू नो थोड़ा माहौल को ठंडा ही रखते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड वी टेल ईच अदर कि नेक्स्ट गेम इससे भी बेटर करेंगे, तो जो हुआ वो भूल जाओ, अभी नेक्स्ट गेम पे फोकस करते हैं, बिकॉज अभी गेम्स वेम्स अच्छे जा रहे हैं, हमारे खेल्स विल्स भी आ रहे हैं. सो या Yeah, that's actually true. And अभी हम you know overall standings दिख रहे हैं, तो उसके अंदर आपके और आपके ऊपर वाली टीम में हल्का फुल्का गैप बना हुआ है और 50% गेम्स हो चुके हैं, तो बाकी 50% गेम्स में उस गैप को क्लोज अप करने के लिए आपकी टीम मतलब क्या चीज ट्राई कर सकती है? स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है या फिर अपना नेशनल गेम प्ले पर आपको प्रॉपर एसेज भरोसा रहेगा? एक्चुअली हम लोग को एक्चुअली दिस न्यू, मैं भी अभी IGL कर रहा हूँ सीधा वर्ल्ड लीग में ही, तो मेरे लिए भी थोड़ा नया है एंड आई एम ट्राइंग, बट आईव जस्ट फाउंड आउट कि अग्रेसिवनेस ने पे अपन की टीम लाइक ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, दे लाइक प्लेइंग अग्रेसिव, बट समटाइम्स वो हम लोग को कॉस्ट भी कर गया एक दो गेम में, लाइक यस्टरडेज वीकेंडी गेम जहाँ पे मेरी गलती हो गई थी और टुडेज लास्ट गेम, तो लाइक अभी लास्ट में मैंने दो नॉक किए थे और फिर लाइक कॉल आया उस टाइम पे मेरे को ही अपना यू नो टीममेट्स का कॉल आते हैं, तो IGL को टीममेट्स तो कॉल देते ही हैं बट आई हैव टू यू नो लाइक उनको सही करना है, उन्होंने कॉल पुश करना है, मैंने बोला हाँ भाई चलो चलो, फर्स्टेड आउट द एंटायर गेम, वी कुड हैव कम टॉप 5 आराम से, थोड़े किल्स लेके स्लो खेल सकते थे. सो या वी लर्निंग, It's a good learning curve actually. So learning curve से मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये रहेगा सी टीम्स और साउथ एशियन टीम्स की मेंटालिटी और उनके गेम प्ले में आपको आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस, बिकॉज आप उनके अगेंस्ट खेल भी, आपने इंडियन टीम्स के अगेंस्ट भी खेला है, सो ये मेंटालिटी का जो एक ग्राफ का डिफरेंस है सी टीम्स किस तरीके से उसको एक्वायर करती है? लाइक आई हैव सीन कि सी टीम्स को यूजुअली यू नो उन लोग एज ज्यादा खेल रहे हैं बिकॉज जोन के हार्ड शिफ्ट इतना हो रहे हैं, सो यू नो इफ यू प्ले एज इट्स इजियर फॉर यू टू रोटेट फास्टर जहाँ पे भी जोन हार्ड शिफ्ट हो रहा है. सो मैं देख रहा हूँ सी टीम्स मोस्टली सभी एज खेलते हैं एंड वो भी आई रियली लाइक दैट प्ले, इसलिए दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन INDB भी एज ही खेलती है एंड Yeah, it's working good for us. So far, it has been like really, really amazing. And I would just say all the best because abhi jo 50% matches rahenge. Yes. I want to see IND top 3, top 2 and hopefully chicken dinners bhi aur saare yahan par nikal kar aate rahe. Aur IND ki taraf se agar pehla chicken dinner aaya, bahut zyada badhiya rahega. That'll be really nice. Yeah. Well, hamare bhi umeed Slayer wohi rahegi. Thank you so much for giving us your time. And I thank guess, thank you so much. Aapse ek aur baar mulaqat hogi agar chicken dinner nikalte hain aap to match mein. definitely kal hi hogi phir to arre kal pehle match ke baad intezar rahega phir hum logo ko that will be actually really good okay thank you yeah thank you cool bye bye I just realized yes. one thing jab main c teams bolta c is also water right ocean se hum game ke bare mein